The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sastrikal. I am Dr. Paramjeet. You are watching Doctor Education. Dosto today we will talk about heart. Today is uh, Heart ka, uh, Day. Hai. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन क्या है क्या वार्निंग साइंस हैं क्या अर्ली साइंस हैं क्या बहुत ज़रूरी साइन है एक हार्ट अटैक के ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप सुरक्षा कैसे करेंगे ठीक है सो यू नीड टू नो कि आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो क्या वो हार्ट अटैक है क्या वो गैस है क्या वो किसी प्रकार की कोई और बीमारी मस्कुलर पेन है क्या है ठीक है और ये बात समझने के लिए सबसे पहले सबसे पहला रूल आपको समझना होगा कि हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स हैं या साइन है सब में एक बराबर नहीं होती स्पेशली फीमेल्स में वुमेन में अलग होते हैं मेल में थोड़े अलग होते हैं और दस लोगों में अलग अलग हो सकते हैं सो देर इज अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ साइन एंड सिम्टम्स स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको समझना पड़ेगा क्योंकि तो हार्ट एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को और जब वहाँ पर मसल में ब्लड नहीं जाता तब हार्ट अटैक होता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जिसको कहते हैं वहाँ ब्लड नहीं जा रहा है ब्लॉकेज के वजह से तो हार्ट अटैक हो रहा है जब ऐसा होगा तो हार्ट उस एरिया में डैमेज होगा कायदे से वो एरिया जो है मरने लगेगा और वो एरिया से दर्द होने लगेगा ये चीज़ ये चीज़ अब समझने वाली चीज़ है टेक्निकली दर्द होना चाहिए लेकिन कुछ लोगों में दर्द नहीं हो सकता है डायबिटिक लोगों में साइलेंट अटैक हो सकता है डॉर जिन बुढ़ा बुढ़ापे में ऐसा हो सकता है कि नसें सारी खराब हो गई हैं न्यूरोपैथी हो चुकी है विदाउट डायबिटीज ऑल्सो यू कैन हैव अ साइलेंट अटैक फिर कुछ लोगों में ये चीज़ दौड़ते भागते आएगी कुछ लोगों में लेटे लेटे आएगी कुछ लोगों में सुबह सुबह आएगी दौड़ते भागते क्यों मान लो हार्ट में ब्लॉकेज बन रहा है और इंसान तेज दौड़ने लगा दौड़ने लगा तो हार्ट पे स्ट्रेस आया हार्ट रेट बढ़ी हार्ट बीट बढ़ी ब्लड प्रेशर बढ़ा एट दैट टाइम अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है सेकेंड आप सोए हैं सोए सोए सुबह सुबह ठंड ज़्यादा होती है ब्रॉ आपके ब्लड वेसल्स वैसे वो हो, कंस्ट्रक्शन होते हैं अर्ली मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा होती है ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकते हैं सो so, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको समझना है कि आपकी उम्र आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बीपी ज़्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं मोटापा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी डाइट अच्छी नहीं है बाहर का खाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू पीते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी है चलते फिरते नहीं है एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हम जाते हैं भाई एक, एक ऐसे इंसान को खाली घबराहट भी हो रही है जिसको ये सारे में से ज्यादातर साइंस एंड सिम्टम है लाइफ स्टाइल बेकार है उसको घबराहट भी हो रही है तो उसके हार्ट के टेस्ट होने चाहिए क्योंकि पता नहीं उसको क्या पता हो रहा हो अर्ली हो इन सिग्निफिकेंट साइंस अभी आए नहीं हो सो तो हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी जान जा सकती है तुरंत तो तीन से छह घंटे बारह घंटे पहले बहुत जरूरी होते इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो नंबर वन सबसे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट साइन है चेस्ट पेन प्रेशर या डिस्कम्फर्ट याद रखिए किसी किसी को होता है सब पता नहीं भारीपन है कुछ लग रहा है चेस्ट पे प्रेशर है या कोई कहता पता नहीं प्रेशर नहीं है पेन भी नहीं है अनकंफर्टेबल लग रहा है अंदर कुछ अनकंफर्टेबल है तो कुछ लोगों को एक्चुअल पेन होता है दर्द हो रहा है सो एवरीबडी विल हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रम किसी को कम किसी को ज़्यादा किसी को नहीं हो रहा डायबिटिक पेशेंट न्यूरोपैथी वाले पेशेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन साइन चेस्ट पेन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा है चेस्ट पेन स्क्वीजिंग, टाइटनिंग पेन हो सकता है बढ़ते जा सकता है आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा नहीं. या तो रहेगा तो लंबा रहेगा और आ जा रहा है तो हो सकता है क्लॉट हिल गया वहां से थोड़ा आराम आ गया बट देन इट वुल नॉट बी इट विल बी कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ अ पेन या थोड़ी देर बाद कम हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कम जाता कम ज्यादा और यह पेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है इसका आपके मसल्स हिलाने धुलाने से कम ज़्यादा नहीं होगा अगर हाथ पैर हिलाने से पोजीशन चेंज करने से दबाने से पेन बढ़ रहा है तो वो हार्ट का नहीं है वो मस्कुलर है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गैस की खट्टी डकार आ रही है डकार आने के बाद ठीक हो गया तो वो हार्ट का नहीं है सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट सिर्फ चेस्ट पेन नहीं चेस्ट पेन के साथ स्वेटिंग रेडिएशन ऑफ पेन टू द नेक टू द एबडोमिन आर्म बैक ये सारी चीज़ें हो सकती है शोल्डर में जा सकता है बैक में जा सकता है नेक में जा सकता है थ्रोट में जा सकता है दांतों में जा सकता है पेन जी हाँ रेडिएट होके तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हार्ट के कौन से एरिया में है हार्ट के लैटरल एरिया में तो लैटरल साइड पेन जाएगा नीचे वाले एरिया में है तो नीचे पेन जाएगा सो ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट थिंग सेकेंड मोस्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन इज स्वेटिंग डे एंड नाइट कहीं भी स्वेटिंग हो रही है मोर देन यूजअल जितनी आपको होती है उससे ज्यादा हो रही है चाहे आप अगर और खासकर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे ए चल रहा है पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है समथिंग लाइक दैट आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा इट्स अ वेरी बिग वार्निंग साइन ऑफ हार्ट अटैक राइट फीवर नहीं है कुछ नहीं है स्वेटिंग हो रही है सो दो थिंग्स उसमें भी हार्ट के टेस्ट होने चाहिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोल्ड स्वेट्स काम कामी स्किन ये बहुत जरूरी है राइट नाइट स्वेट्स भी हो सकते हैं वुमेन को हार्ट की प्रॉब्लम में नाइट में स्वीटिंग शुरू हो जाती है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इज़ पटी कमजोरी एकदम से हार्ट अटैक जो है आने के बाद हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं इतनी थकावट होगी उठ नहीं पा रहे हैं सो दैट इज़ काइंड ऑफ एन एरिया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हार्ट के एक बड़े हिस्से में अटैक हो रहा है वो बड़ा हिस्सा काम करना बंद कर देता है इफेक्टिव पंपिंग पावर कम हो जाता है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है पेशेंट कैन गो इन शॉक उस समय इतनी वीकनेस होती है पेशेंट बेहोश भी हो सकता है कई लोग बेहोशी के हालत में हॉस्पिटल आते हैं सो so, फटी कमज़ोरी बेहोशी और सबसे जरूरी इसके बाद फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस फूलने लगता है जब भी हार्ट पूरी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो बैक प्रेशर होगा वहां ब्लड का ट्रैफिक जैम होगा एंड द ब्लड जो हार्ट में आता है वो आता है लंग्स से साफ होके सो बैक प्रेशर लंग्स में थोड़ा ब्लड जमा होने लग जाता है एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है सो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है दैट इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कई लोग सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम ले आते हैं हार्ट अटैक निकलता है कई लोग सिर्फ चेस्ट पेन लेकर आते हैं कई लोग सिर्फ स्वेटिंग लेकर आते हैं कई लोग सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस कि क्या लग रहा है देन लाइट हेडेडनेस चक्कर आने लगे डिजीनेस होने लगेगा बीपी कम होगा तो चक्कर आएगा एक ये कारण है हार्ट वीक हो रहा है हार्ट फेल हो रहा है हार्ट अटैक हो रहा है समटाइम्स फेलिंग हार्ट अटैक वाला हार्ट का जो मरने वाला हिस्सा होता है वो पंप करने की जगह फड़फड़ाता है फड़फड़ाता है ये फड़फड़ाने में रिदम प्रॉब्लम आने लगते हैं ये रिदम प्रॉब्लम में एकदम ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है कभी कभार क्लॉट बन सकते हैं हार्ट के अंदर वो निकल के लंग्स में जा सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकते हैं या सिर्फ कुछ नहीं हुआ तो चक्कर आ सकते हैं रिदम प्रॉब्लम से सो दीज आर वेरी वेरी कॉमन एरिदमियाज रिदम प्रॉब्लम आर वेरी कॉमन और उस समय रिदम प्रॉब्लम के बीच में आपको पाल्पिटेशन भी होंगे फीलिंग होगी कि हार्ट स्किप हो रहा है बीट स्किप हो रही है जोर जोर से पाउंडिंग हार्ट बीट हो रही है धड़क धड़क समथिंग लाइक दिस सो ये सारी चीजें आपको पाल्पिटेशन भी हो सकता है और कुछ केसेस में हार्ट अटैक के वॉमिटिंग भी होती है नीचे वाले हिस्से में अगर पेन हो रहा है एपिगेस्टिक पेन और वॉमिटिंग कैन बी अ साइड ऑफ इन हार्ट अटैक वेरी वेरी कॉमन सो वॉमिटिंग से भी कई लोग आते हैं सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको इसमें से कुछ भी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी खासकर मिडिल एज भी हो तीस साल के ऊपर हो बैड लाइफ है कोई भी बताए गए रिस्क फैक्टर्स हैं तो ई ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन एक एंजाइम है जो हार्ट के अंदर होता है अटैक के दौरान वो ब्लड में आ जाता है ब्लड में डिटेक्टेबल होता है दो से चार घंटे के अंदर और फिर वो डायग्नोस कर सकता है पक्का हार्ट अटैक है राइट या फिर उससे पहले तुरंत में ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी करके तुरंत बताया जा सकता है हार्ट अटैक चल रहा है उसको तुरंत रोकने की कोशिश की जाती है रोकने के लिए इंजेक्शन होते हैं क्लॉट घोलने के या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी उसके अलग वीडियोज़ हैं वो आप अलग से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखिए ये वार्निंग साइंस आपने याद रखना है चेस्ट पेन स्वेटिंग फटीग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिजीनेस वॉमिटिंग इनमें से कुछ भी हो रहा है ये हार्ट अटैक और कोई बकवास साइन की नहीं यहाँ पे लकीर आएगी नहीं वहां ये आएगा नहीं यह दुखना यह वहां कुछ नहीं ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं कृपया इसको धुआंधार तरीके से शेयर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दिस इज डॉक्टर परमजीत स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी